हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग इन लास्ट लेक्चर वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इन लास्ट टॉपिक वी वी वेर आर स्टडिंग फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एटेंथ सेंचुरी इन विच द बर्वन फैमिली किंग लुई सिक्सटीन एंड किस तरह से उसने जो है फ्रांस पे फ्रांस का किंग बना फ्रांस की जो उस इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा उसने टैक्स इम्पोजिशन किया ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े फ्रेंच रिवोल्यूशन में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच जो सोसाइटी है वो कितने स्टेट में जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो टैक्स इंक्रीज़ किया गया था उसको पे किसे करना था थर्ड स्टेट को क्योंकि ड्यूरिंग एटीनथ सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी थ्री स्टेट में डिवाइड था फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो फर्स्ट और सेकेंड थे ये सभी टैक्स पे नहीं करते थे थर्ड स्टेट पुअर बिजनेसमैन प्रोफेसर ये सभी लोग थे और ये टैक्स पे करते थे ओके सो इन टूडेज लेक्चर हम लोग फर्दर इसी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले एक चीज़ हमारा जानना जरूरी है क्या कि जो एक टर्म यूज होता था सोसाइटी में ठीक है ना तो एक्चुअली जो सोसाइटी ऑफ स्टेट है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है ये किसके पार्ट थे वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम इज मोनार्की। फ्यूडल सिस्टम के पार्ट थे एंड एक टर्म यूज होता था द टर्म ओल्ड रेजिम टर्म ओल्ड रेजिम इज यूज्ड To describe to describe the society Society and institution Institution of France Institution of France before seventeen eighty. नाइन, इट मीन्स 1789 एटी नाइन से पहले फ्रांस में जो भी सिस्टम था सोशल सिस्टम इंस्टीट्यूशंस थे उसको ओल्ड रेजिम कहा जाता था ओके okay? ओल्ड रेजिम कहा जाता था जो फ्रेंच सोसाइटी है ठीक है ऑर्गेनाइज सोसाइटी था एक दिया गया है फिगर प्रोवाइड है जैसे फ्रेंच सोसाइटी के डिस्क्रिप्शन में आप हम लोग देखेंगे इसको इसको इसमें थे क्लर्गी क्लर्गी इनको हम लोग जो है फर्स्ट स्टेट वहां पे कहा जाता था ठीक है इससे नीचे आता था एक और सेक्शन जिसे नोबेलिटी कहा जाता था नोबेलिटी जो रूलिंग क्लास थे रूलिंग किंग को हेल्प करते थे क्लर्गी मेनली क्रिश्चियन जो पा, पा, प्राइस्ट थे बिशप्स थे चर्च पीपल थे एंड नोबिलिटी जो ऑफिसर्स क्लास था जो किंग को मोनार्क को हेल्प करता था रूलिंग में एंड इसके नीचे एक और आता था इसको नोबिलिटी को सेकेंड स्टेट कहा जाता था ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेट कौन थे सेकेंड स्टेट कौन थे ठीक है और इसके नीचे आता था थर्ड स्टेट ओके जिसमें एक क्लास था बिग बिजनेसमैन बिग बिजनेसमैन मर्चेंट मर्चेंट्स कोर्ट ऑफिसियल ठीक है कोर्ट ऑफिशियल्स लॉयर ये सभी लोग थे इसी में थर्ड स्टेट में ही एक दूसरा भी ग्रुप था जो पी जेंट्स जिसमें पी जेंट्स एंड आर्टिसंस थे आर्टिसंस जो कोई पॉट मेकिंग काम करता था ब्लैक स्मिथ का काम करता था इसके बाद इसमें एक और ग्रुप था थर्ड ग्रुप जो थे आपको स्मॉल पीजेंट्स पीजेंट्स लैंडलेस लेबर सर्वेंट जो एज अ होम हेल्प दूसरे जो रिच पीपल थे उनके घरों में काम करते थे और ये सभी लोग मिलकर कंबाइंड थर्ड एस्टेट में आते थे ठीक है तो ये सोसाइटी का सिस्टम था फ्रेंच में ड्यूरिंग एटीनथ सेंचुरी सोशल जो सिस्टम था वहाँ का ठीक है तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ये सभी को ये जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी फ्रेंच सोसाइटी था अब इसमें यू था कि जो 90 परसेंट पॉपुलेशन है पीजेंट्स ठीक है ना यानी कि फ्रेंच पॉपुलेशन में फ्रेंच सोसाइटी में जो 90 परसेंट पॉपुलेशन है पीजेंट्स मेड 90 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इंटी परसेंट पॉपुलेशन ठीक है जबकि वोनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन लैंड एंड कल्टिवेट देम वेरी स्मॉल पीपुल ठीक है ना इसमें जो था नाइन्टी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन थे बट बट वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ऑन लैंड एंड कल्टिवेट एंड कल्टीवेटेड ठीक है यानी कि जो नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन है वो का था. लेकिन 90 परसेंट में भी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल थे जिनके पास उनका खुद का जमीन था और उस पर खेती करते थे यानी कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है क्या थे वहां पे लैंडलेस थे ठीक है 60 परसेंट लैंड जो है नोबल ऑन करते थे फ्रेंच सोसाइटी में अबाउट Sixty per cent land was owned by noble nobles, the church, the church, and other rich member, other rich member of. थर्ड स्टेट ठीक है यानी कि जो 60 परसेंट लैंड था पूरे फ्रांस का उसमें फर्स्ट स्टेट चर्च पीपल उसके बाद नोबिल सेकेंड स्टेट के लोग नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के जो रिच पर्सन थे जैसे बिग बिजनेसमैन मर्चेंट कोर्ट ऑफिशियल ये सभी लॉयर्स ये लोग जो है लैंड को ऑन करते थे फ्रांस में जो फर्स्ट टू स्टेट है दैट इज क्लर्की और नोबिलिटी ज एंजॉय करते थे ठीक है तो दी क्लर्गी एंड क्लर्गी एंड नोबिलिटी एंड दोबिलिटी इंजॉयड प्रिविलेजेस प्रिविलेज बाई बर्थ मतलब ये लोग जो है इनको फ्यूडल जो प्रिविलेज फ्रॉम किंग सिस्टम किंग से जो राजा थे राजा से जो इनको मिला हुआ था जो भी चीज़ फ्यूडल सिस्टम इन लोगों को बाई बर्थ मिला यानी कि जो नोबल पर्सन नोबल का बेटा सन या डॉटर है कोई भी है वो नोबल क्लास में ही होगा और उसको बाई बर्थ जो बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो मोनार्क की तरफ से दी गई हैं वो सभी अवेलेबल हो जाएंगे उनको ठीक है लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें था कि ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे ठीक है ना तो जो प्रिविलेज है ठीक है प्रिविलेज में से ये था कि जो टैक्सेज वगैरह हैं वो पे नहीं करना पड़ता था ठीक है तो इसमें हम लिख सकते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रिविलेज प्रिविलेज वाज एक्सेम्पन एक्सेम्पन मतलब उनको बाहर रखा गया था एक्सेम्सन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस ठीक है ये टैक्स पे नहीं करते थे ठीक है उसके बाद भी बहुत सारे इनको प्रिवलेजेस थे फ्यूडल ड्यूज लाइक जैसे फ्यूडल ड्यूज है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स से लिया जाता था पीजेंट्स ऑब्लाइज थे आ, उनको सर्विस लॉर्ड के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड ठीक है ना तो फ्यूडल ड्यूस जो थर्ड स्टेट था ठीक है तो हम कह सकते हैं कि फ्यूडल ड्यूज फ्यूडल ड्यूज मतलब फ्यूडल टैक्स वगैरह फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स पीजेंट्स एंड वर वर टू रेंडर सर्विस मीन्स सर्विस प्रोवाइड करना टू लॉर्ड टू लॉर्ड लॉर्ड मतलब किंग किंग को सर्विस देने के लिए उनके घरों में उनके जमीन पे काम करने के लिए सभी जो चर्च था उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था ठीक है ना चर्च को टैक्स पे नहीं करना पड़ता लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि चर्च जो है एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर फ्रॉम टैक्सेस ठीक है तो टैक्स जो टैक्स पे होता था उसमें से भी जो चर्च का टैक्स होता था और चर्च लेता था ठीक है टिथ्स एंड टाइली दो तरह के टैक्स होते थे वहां पे ठीक है तो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड extracted its share its share of share of taxes called tithes ठीक है टिस्ट क्या था यानी कि टिस्ट जो है एक ऐसा टैक्स है टैक्स यह क्या है टैक्स कलेक्टेड बाई कलेक्टेड बाई चर्च फ्रॉम पीजेंट्स ठीक है तो चर्च जो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट उसको टित जाता था उसके बाद और भी बहुत सारे टैक्सेस थी ठीक है ना एंड फाइनली जो ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट है उनको टैक्स पे करना पड़ता था उसमें डायरेक्ट टैक्स होता था एक थर्ड स्टेट को एक और टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट पे ठीक है हैड टू पे टैक्सेस टू दी स्टेट मतलब किंग को ठीक है ना इंक्लूड Include, इंक्लूडेड क्या है उसमें इंक्लूडेड था इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसको आ, जो है पे करते थे स्टेट को जाता था और कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स जो होता था उसको कहा जाता था क्या टाइली ठीक है ना इसको टाइली जो है कहा जाता था टाई इसको पढ़ाता है टाई जो है टैक्स है ठीक है और बहुत सारे एंड एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ इन डायरेक्ट टैक्सेस ठीक है इन नंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी पे करना पड़ता था जैसे आ, जो आर्टिकल्स एवरी डे कंजूमशन पे जैसे न, सच एज, जैसे हम कर सकते इन डायरेक्ट सच एज टैक्सेस ऑन सॉल्ट और टोबैको ठीक है ये डेली कंज्यूमशन के मटेरियल थे और इनपे इनडायरेक्ट टैक्सेस होता था जो टाइली है वो क्या होता था टाइली क्या है टाइली एक डायरेक्ट टैक्स है पहले तो ये क्या है डायरेक्ट टैक्स है ठीक है टैक्स पेड बाई थर्ड स्टेट स्टेट टू स्टेट ठीक है ना मतलब मोनार्क मोनार्क को डायरेक्ट पे किया जाता था इसमें ठीक है तो जितने भी टैक्स के बर्डन थे वो किसके ऊपर थे थर्ड स्टेट के ऊपर थे तो ये वहां का जो है हार्डशिप था सोसाइटी का स्ट्रक्चर था किस तरह से सोसाइटी डिवाइड थी और सोसाइटी में टैक्स का जो पोर्सन कैसा था अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है स्ट्रगल टू सर्वाइव नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्ट्रगल टू सर्वाइव तो यह है वन पॉइंट वन इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रगल ठीक है स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी सर्वाइवल के लिए अपने पास वो लोग जो, जो स्ट्रगल करते थे इसमें यू था कि फ्रांस का पॉपुलेशन जो है 1715 में ठीक है ना पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस कितना था 1715 में फ्रांस सेवेंटीन फिफ्टीन ए डी में पॉपुलेशन जो है ट्वेंटी थ्री मिलियन था ठीक है ना जो कि सेवेंटीन एटी नाइन ए डी में कितना हो गया ट्वेंटी एट मिलियन हो गया पॉपुलेशन यानी कितना इंक्रीज हुआ फाइव मिलियन इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो इसका रिजल्ट रिजल्ट क्या हुआ रिजल्ट यह हुआ कि वहां पे सर्वाइवल प्रॉब्लम हो गया प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने लगे ठीक है फूड क्रॉप्स के तो जो रैपिड इंक्रीज हुआ उसमें फूड ग्रेन का भी डिमांड हुआ ठीक है तो ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन ठीक है क्या हुआ इससे ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अच्छा एक चीज इसको कर सकते हैं ठीक है ठीक है ना इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन फूड ग्रेन ऑलसो इंक्रीज ठीक है बढ़ गया डिमांड बढ़ गया अब सप्लाई तो कम था प्रोडक्शन हो नहीं रहा था ठीक है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ नहीं तो ड्यू टू लैक ऑफ ठीक है ड्यू टू लैक ऑफ सफिस सफिसियंट फूड ग्रेन फूड ड्यू टू लैक ऑफ एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन ठीक है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया ठीक है प्राइस वाज इंक्रीज ठीक है ना किसके प्राइस बढ़े जैसे जो ब्रेड होते थे स्टेपल डाइट था ठीक है ना ब्रेड बी आर ई डी ब्रेड ब्रेड जो है स्टेपल स्टेपल मतलब जो रोजाना यूज होता था स्पेशल ठीक है स्टेपल डाइट था और इसकी जो है एंड स्टेपल डाइट एंड कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड बाय मेजॉरिटी ज्यादातर लोग जो है इसको कंज्यूम करते थे तो प्राइस जब इंक्रीज हो गया ठीक है ना बट इनका जो है बट प्राइस इंक्रीज हो गया क्यों क्योंकि अब तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा था बहुत ज्यादा फूड ग्रेन का ठीक है मोस्ट जो वर्कर है इम, जो मोस्ट वर्कर एम्प्लॉयड थे एज ए लेबरर इन वर्कशॉप वे लोग जो है फिक्स वेज पे थे ठीक है तो सर्वाइवल में एक और प्रॉब्लम ये था कि जो दी मोस्ट वर्कर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन वर्कशॉप वर्कशॉप एट फिक्स्ड प्राइस ठीक है ना फिक्स्ड वेजेस ठीक है ना मतलब कि उनकी बहुत दिनों से जो है सैलरी बढ़ाई नहीं गई थी अब देखो एक तरफ तो इन्फ्लेशन हो रहा था फूड प्राइस बढ़ रहा था फूड ग्रेन की कमी हो रही थी और इम्प्लॉय जो इम्प्लाई पीपल थे उनकी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाई जा रही थी ठीक है तो इसके वजह से उनको कोप अप करना इस इंक्रीज फूड प्राइस के साथ अपनी सर्वाइवल के साथ कोप अप करना मुश्किल हो रहा था ठीक है तो वेजेस तो बढ़ नहीं रहे थे प्राइस के साथ ठीक है ना मतलब ये हुआ कि डैट इज वेजेज डिड नॉट डिड नॉट कीप पेस पेस मतलब उसके साथ चलना पेस विथ प्राइस यानी कि प्राइस तो बढ़ रहा था वेजेज वगैरह नहीं बढ़ रहे थे तो वो कैसे इसको फुलफिल करेंगे जो पुअर हैं, पुअर और रिच के बीच तो रिजल्ट इसका ये हुआ कि द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच इंक्रेज बढ़ गया बहुत ज्यादा बढ़ गया इनके बीच ग्रेप ठीक है जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वर्स हो गया ड्राउट और हेल्थ रिड्यूस द हार्वेस्ट ठीक है ना ठीक है अब ये जो सिचुएशन है यानी कि उसी बीच हुआ कि जैसे ड्रॉट आ गया डी ठीक है ड्रॉट और हेल्स हेल्स मतलब मतलब सूखा और जो बर्फबारी होती है ठीक है ना ये हार्वेस्ट को रिड्यूस्ड कर दिए रिड्यूस्ड हार्वेस्ट ठीक है हार्वेस्ट को रिड्यूस्ड कर दिए तो इसके वजह से जो है ये सभी ऑल दिज सिचुएशन सिचुएशन लेड टू लेड टू अ अब्सिस्टेंस क्राइसिस ठीक है जो है एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्रिएट किया जो कि ओल्ड रिजिम में फ्रिक्वेंटली होने लगा ठीक है ना ठीक है ओल्ड रिजिम में हमेशा ही होता था सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है क्या एक ऐसा सिचुएशन जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है एक ऐसा सिचुएशन होता है ठीक है ना इसको हम लोग देख लेते हैं एन एक्सट्रीम सिचुएशन सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी आपके जीने के लिए जो जरूरी है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इनडेंजर्ड मतलब वो भी खतरे में आ जाए ठीक है इन डेंजर्ड ठीक है ना मतलब आपके पास है ही नहीं उसको सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं और कैसे क्रिएट हुआ ये हम लोगों ने देखा है ठीक है ना उसके बाद कैसे हुआ कैसे पैड हार्वेस्ट की वजह से हुआ ड्रॉट की वजह से हुआ पुअर जो है वो ब्रेड वगैरह नहीं खरीद सकते थे इन सब वजहों से हुआ ठीक है तो ये था सिचुएशन और स्ट्रगल सोसाइटी का ओके इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब तक के लिए बाय बाय